हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से परीक्षा की तैयारियां, जॉब की तैयारियां चल रही होंगी आप लोगों की। कुछ स्टूडेंट्स का फिर से एक इंक्वायरी आई है कि फिशरीज से रिलेटेड जॉब्स के बारे में। बल्कि एक तो इंक्वायरी आई थी कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरीज में करीब 10 लाख वैकेंसीज निकलने जा रही हैं, उनके बारे में वो कैसे, साइट्स का कैसे पता चलेगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स का 2 दिन पहले ही एक इंक्वायरी आई कि फिशरीज से रिलेटेड अगर कुछ जॉब के इंफॉर्मेशन मिले तो उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो एक बात मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो चैनल है मेरा, मैंने जो ये चैनल बनाया वो मेनली फ्री क्लासेस के लिए कराया। जूलॉजी क्लासेस, जूलॉजी से रिलेटेड, जो जूलॉजी के क्लासेस रिलेटेड जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं, सेमेस्टर्स के, बीएससी एंड एमएससी के जितने भी डिफरेंट सेमेस्टर्स के रिक्वेस्ट आते हैं, और इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस जिनको की सारी फैकल्टीज पढ़ती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब, तो उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स के बारे में रिक्वेस्ट आ रहे हैं मैं ज्यादातर उन्हीं पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। फिर करियर ऑप्शंस, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, ये सारे रिलेटेड हैं सब्जेक्ट से, वन और अनदर वे। करियर ऑप्शंस भी मैंने रिक्वेस्ट पर डाला है, बट क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ। वैकेंसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं स्टूडेंट्स, वो मैं बहुत ज्यादा गैदर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनको डालना, वीडियोस बनाना उनका बिल्कुल एक अलग मेथड है। साइट से उनको पिक करना, फिर उनको डालना, वैकेंसीज निकालना, उतना अप टू डेट रहना, मेरा ज्यादातर वो एरिया नहीं है। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं साइट्स पे जाती हूँ, साइट से कलेक्ट कर लेती हूँ इंफॉर्मेशन, और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही वो इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, अलॉन्ग विद द नेट नेम ऑफ द साइट, कि आप उन साइट्स पे जाकर के डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब परसों एक क्वेरी, परसों के परसों में मुझे दो क्वेरीज आई। एक तो एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स जिनका 18 नवंबर को एग्जाम है, उन्होंने क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट किया, वो मैं फटाफट दे सकती थी। और दूसरा रिक्वायरमेंट चल रहा है, वो करीब पिछले एक हफ्ते से पूछा जा रहा है कि फिशरीज से एमएससी की लड़कियां, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, पीजी के लिए, खास तौर से पीजी की क्लासेस में लेती रही हूँ। तो पीजी फिशरीज, हमारे यहाँ फिश एंड फिशरीज स्पेशल पेपर है, तो वो लड़कियां थोड़ी वरीड हैं कि अगर उन्हें अपने कंसर्न इलाके में बिहार झारखंड या आसपास ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाए वैकेंसीज के बारे में, फिशरीज से रिलेटेड वैकेंसीज, तो उनके लिए बहुत हेल्प होगा। तो मैंने इस वीडियो में वही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जिसमें एक बिल्कुल ही अपडेटेड, कल का ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन मुझे मिला है बिहार फिशरीज रिक्रूटमेंट के बारे में। बिहार में फिशरीज के रिक्रूटमेंट 2022-23 का रिक्रूटमेंट का कल मेरी नजर में आया, जब मैं तलाश कर रही थी कुछ जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट्स थी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज एंड फिशरीज का, तो उनके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन मुझे नियर बाई नहीं मिला ना। ज्यादातर बीएफएससी फिशरीज साइंस से रिलेटेड लोग के लिए वैकेंसीज है, या एग्रीकल्चर या बॉटनी से रिलेटेड, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं। आगे के कुछ स्लाइड्स में मैंने वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, आपके लिए वो कितना यूजफुल है ये आप पर डिपेंड करता है। अभी एक मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग, ये भी मैं लिख दूंगी, फिशरीज डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसीज 2022, बट ये तमिलनाडु का इंफॉर्मेशन है, तमिलनाडु का वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट परसों है, इसमें मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। सम इंफॉर्मेशन जो मुझे मैं गैदर कर पाई हूँ मैं दे दे रही हूँ आपको। गवर्नमेंट वो साइट दे दूंगी जिस साइट को कंसल्ट करने के लिए कहा गया है, और चूंकि आज 10 तारीख हो गया, 12 तारीख लास्ट डेट है, ऑलरेडी ये 24 अक्टूबर को एडवर्टाइज किया गया था, तो काफी समय हो चुका है।
आई थिंक कि जो ज्यादा अलर्ट हैं उन्होंने देख भी लिया होगा। सो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, जो बिहार फिशरीज रिक्रूटमेंट। ये फोर्थ एक्चुअली इन वेरी ट्रू, एकदम ये सबसे शुरुआत हुई है, जो सबसे पहले इस ये इमरजेंसी के बारे में नोटिफिकेशन हुआ था ऑन 25th अक्टूबर। Then it has been updated on 4th November and now again it has been updated on 9th November. But still, अब ये तो मैंने देखा कि एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार फिशरीज इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर बिहार फिशरीज रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस वैकेंसीज आर रिलीज रेगुलरली एंड प्रीवियसली रिलीज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाज इंक्लूडेड विद फिशरीज सुपरवाइजर अपॉर्चुनिटीज। Aspirants interested in Bihar fishery job can go through this article for detailed information like last date, qualification, form fee, syllabus, and upcoming free job alert for admit card result. But जो ये दे रहे हैं कि जिस तरह जिस पर जाना चाहिए बिहार फिशरीज पे, इसका एक साइट भी दिया हुआ है, वो भी मैंने डाल दिया, ये लेटेस्ट मॉडिफाइड 9th नवंबर, मतलब कल का मॉडिफिकेशन का है। बट जो साइट ये दे रहे हैं, दिस इज द साइट दे आर गिविंग, ऑफिशियल वेबसाइट, इस साइट को खोलने पर अभी तक तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। वापिस इसी जो फर्स्ट यहाँ जो हमने दिखाया है, इस साइट को जब मैं खोल रही हूँ तो वापिस मैं वहीं पहुंच जा रही हूँ। या वहां पे इंफॉर्मेशन है एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार, शॉर्ट नेम बिहार फिशरीज, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम एंड इंटरव्यू, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बट कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स। तो आई नो कि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगेन है, एज आई हैव रिसीव्ड वन कंप्लेन ऑल्सो कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट रिलेटेड नहीं दिया जाए। बट मैं जिन स्टूडेंट से के कॉन्टेक्ट में रही हूँ उनके लिए मैं समझती हूँ कि इतना इंफॉर्मेशन से वो अपने लिए निकाल पाएंगी। और उनको थोड़ा सा, मैं वुमेन्स कॉलेज से रिटायर की हूँ तो वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां अब भी कनेक्टेड रहती हैं, और उनके इंफॉर्मेशन, उनके क्वेरीज को मैं अपने लेवल पे सॉल्व करने की इमीडिएट कोशिश करती हूँ। अब ये मुझे रिक्वेस्ट मिला है एक दिन पहले और इसका लास्ट डेट खत्म हो रहा है परसों, तो इंफॉर्मेशन डिटेल कलेक्ट करने का मेरे पास समय भी नहीं है, और साथ ही साथ बहुत सारे जूलॉजी से रिलेटेड जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स उसी में हूँ, इसलिए वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास, जो इंफॉर्मेशन मैं साइट से कलेक्ट कर पाई हूँ, बस मैं उतना ही आपको दे रही हूँ। ये जो वैकेंसी है बिहार गवर्नमेंट की फिशरीज की, इसके लिए अभी तक डिटेल्स वेब पेज पर वो जाने के लिए कह रहे हैं, बट वेब पेज पर जाने पर अभी तक नोटिफिकेशन शायद रिलीज हुआ नहीं है। तो यू कैन आप अलर्ट रहिए, आपका यही क्वेरी थी ना कि समय पर इंफॉर्मेशन दीजिए मैडम ताकि मिस नहीं हो। तो आई डोंट नो कि इंफॉर्मेशन ये आपको मिल चुका कि नहीं, बट समय तो बहुत कम है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज डिटेल्स। ये साइट का नाम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, बिहार फिशरी जॉब्स, एस्पायरेंट्स मस्ट ऑल्सो विजिट फिशरीज बिहार, fisheries.bihar.government.in। ये भी एक साइट है, इससे के थ्रू भी आप जा सकती हैं, जा सकते हैं रादर। लोकेशन ज्यादातर इनका पटना बिहार में है, और अभी जस्ट इमीडिएटली मैंने एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला जो मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। झारखंड गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, और ये साइट भी बहुत लंबा चौड़ा साइट है। यू कैन गो थ्रू दिस साइट, इस साइट को आप टाइप कीजिए, किसी पोस्ट के लिए एक, किसी के लिए दो, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बट ऐसा नहीं है बहुत मेजर वैकेंसीज किसी भी पोस्ट के लिए बहुत नंबर्स नहीं है, और बहुत सारे फील्ड में हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, मेडिकल, पोस्टल सर्किल, रेलवे, टीचिंग, पब्लिक सर्विस कमीशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, कई एक डिपार्टमेंट्स में हैं। तो इसको आप खोल करके एक देख लीजिए स्टूडेंट्स,
अब इसके बारे में वैसे अगर प्रॉपर वीडियो बनाया जाए तो हर एक वैकेंसी के बारे में एक फुल वीडियो बनना चाहिए, तभी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए पाएंगे। तो वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं टॉपिक्स रिलेटेड जूलॉजी क्लासेस या जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में ज्यादा बिजी हूँ। तो ये एक वैकेंसी मैंने दिया, बिहार के इंफॉर्मेशन के बारे में बताया। ये एक और इंफॉर्मेशन मिला है, ये थ्रू दिस साइट http://fisheries.bihar.government.in। इसके इसमें ये इंफॉर्मेशन आई डोंट नो कि ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। तब देखिए हर पेज में ऑलमोस्ट मैंने ये दे दिया है डिस्क्लेमर, मैं पहले ये सब लाइक नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल एक साइट है जहाँ पर जो शुरू हुआ है जस्ट फ्रेंड्स की तरह। मेरी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था रिटायरमेंट के बाद, चूंकि मेरे इंस्टीट्यूशन में लड़कियां मेरे बारे में जो जानती हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उस तरह से मैंने शुरू किया। तो मैं बहुत फॉर्मल नहीं हो रही हूँ, तो मुझे लगा कि अब कुछ लड़कियां हैं जिन या स्टूडेंट्स हमारे हैं हमारे एरिया के जो अपना काम भी शुरू करने पर के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ये एक पेज मुझे मिला, वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य योजनाएं हैं जो एक्चुअली शायद सैंक्शन किया गया है, प्रधानमंत्री वगैरह है। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं, 8 तरह की योजनाएं हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन 8 योजनाओं के बारे में इनसे संबंधित साइट्स पर जाकर के पता कर सकते हैं। और अगर आपको ये टोल फ्री नंबर भी है, ये साइट भी है, और इनसे अगर आपको कुछ हेल्प मिल सके आपके अपने फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आप देखिए उनसे। फिर ये है, दिस इज नाउ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज रिक्रूटमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डेयरिंग, ये जो रिक्वेस्ट था उसके बारे में ये वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज के बारे में मैं आपको मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया है इसमें, बट ये जो इंक्वायरी थी इसके बारे में जो स्टूडेंट ने पूछा था उनका कहना था कि 10 लाख जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके साइड्स, तो वो वैसा कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला कि 10 लाख वैकेंसीज कहाँ आ रही हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में कुछ कुछ वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, तो उन वो लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल स्टेप्स कैसे एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी वैकेंसीज के बारे में आप कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप इस साइट पे जा करके देख सकते हैं इसके बारे में, इसकी वैकेंसीज के बारे में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। यू कैन गो थ्रू दिस साइट एंड यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। नाउ दीज आर सर्टेन वैकेंसीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के हैं। जैसे पहला पोस्ट है 17 वैकेंसीज हैं, डिग्री इन वेटनरी साइंस, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरल डिग्री, ये 7 प्रोफेसर का पोस्ट है। लास्ट डेट इज 15 नवंबर है। नाउ दिस इज ये त्रिपुरा गवर्नमेंट का है, तो आप ये साइट का नाम है, यहाँ पे जाकर के आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ एमएससी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब फॉर मास्टर ऑफ साइंस क्वालिफिकेशन, इसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कैंडिडेट्स कनेक्ट कंप्लीटेड एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी क्रूसेज, एमएससी फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी, बट जूलॉजी के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है। देन लेटेस्ट एमएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एक वैकेंसी है, यही एक जूलॉजी के लिए स्पेसिफिक वैकेंसी मिली मुझे, जिसका लास्ट डेट तो आज ही है, ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। बट एमएससी पीएचडी तो प्रोफेसर ये प्रोफेसर के लिए है, तो दिस इज द आज ही इसका लास्ट डेट है। नाउ दी देयर आर सर्टेन मोर वैकेंसीज, जैसे ये है रिसर्च एनालिस्ट, 2 वैकेंसी है, इसका 25 नवंबर टेबल फॉर्म में, इसके लिए काफी समय लगाना पड़ता है। और जो लास्ट डेट में एमएससी जूलॉजी का मैं आज इस वीडियो को रिलीज कर देना चाह रही हूँ, हालांकि अब पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने अपनी कोशिश की। आई नो कि मैं बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, बट इससे ज्यादा वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना मैं अभी मैं उस
तरफ वैकेंसीज या एम्प्लॉयमेंट वाले वीडियोस पर के बारे में अभी मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं एमएससी के जुअलॉजी के एमएससी के क्लासेस, बीएससी के क्लासेस, एनवायरमेंटल साइंस के क्लासेस, बायोटेक्नोलॉजी से माइक्रोबायोलॉजी के क्लासेस, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। और उनके बारे में मेरे अपने जो मेरे कंसर्न में है स्टूडेंट्स, उनका रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। प्रोटोकॉल कॉर्डेड जुओलॉजी की पूरी सीरीज के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में वैकेंसीज दे रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ये इनकन्वीनियंट लगे तो प्लीज डोंट गो थ्रू, डोंट बॉदर टू गो थ्रू। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आपके काम आए तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। बट बहुत ज्यादा ये दीज आर द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, नेम ऑफ द पोस्ट, कहीं दो वैकेंसी है, कहीं तीन वैकेंसी है, कहीं एक वैकेंसी है, एंड दीज आर ऑल फॉर मोस्टली फॉर द आफ्टर एमएससी डॉक्टरल रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जहां भी है बीएससी एमएससी रिलेटेड है, बाई चांस कहिए या अनलकीली अनफॉर्चुनेटली 10/11/12/13 नवंबर लास्ट डेट आ रहा है, तो अब इतना समय भी नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये 13 वैकेंसीज हैं। इसमें तो बहुत क्वालिफिकेशन बहुत कम है, 10th डिप्लोमा, बीएससी एमएससी पीएचडी सब है। ये 5 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। यू कैन गो थ्रू दिस, देन देयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसमें 5 वैकेंसीज हैं, इसका लास्ट डेट है 25 नवंबर। सो दीज आर द वैकेंसीज इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया। इस यू कैन गो थ्रू दीज, अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो आप इनके थ्रू इनमें अप्लाई करिए। और चूंकि एक बार थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ ऑफेंडेड हुए हैं कुछ व्यूवर्स कि इस तरह के वैकेंसीज नहीं डाले, इस तरह के वीडियोस यूजफुल नहीं है, नहीं डालें, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं थोड़ा पर्सनल जिनसे कॉन्टेक्टेड हूँ उनको इस तरह का इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए, पहुंचाने के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। और ये मैंने इसीलिए डिस्क्लेमर भी डाल दिया करीब करीब हर पेज में कि ये मैंने वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मतलब आपको बताने के लिए। अब इसके लिए आपको मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत सही इंफॉर्मेशन है, ये कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, इसका डिटेल्स क्या है। सो यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर इफ यू फील कुछ आपको इनकन्वीनियंट लग रहा हो, डिससेटिस्फैक्ट्री लग रहा हो, बट सो फार एज माई ओपिनियन इज इंफॉर्मेशन तो इससे आपको मिलेंगे आपके रिलेटेड एरियाज के। अब ये जैसे फिशरी सर्वे रिक्रूटमेंट 2020, फिशरीज की जो स्टूडेंट्स हैं हमारी लड़कियां वो इसके लिए जा सकती हैं। फिर ये मैंने सिर्फ साइट का नाम दिया है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी अभी मिला है। तो ये दैट इज दिस इज द साइट www.fsi.government.in, दिस इज द साइट। इस साइट को आप टाइप कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एक कंबाइंड मास वैकेंसी है, हालांकि पोस्ट इतने ज्यादा नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल नहीं है, बट विजिट हियर फॉर लेटेस्ट एंड अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। अभी इसमें ये कोचिंग का ज्यादा है इसमें, और स्टेट फॉर वेरियस जॉब प्रोफाइल्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसी तरह से अलग अलग वैकेंसीज में अलग अलग स्टेट वाइज ही ज्यादा मिल रहा है। ये फिशरी एफएसआई रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में इतना बड़ा सा डिटेल्स तो मिला ऑनलाइन गूगल सर्च में, बट कुछ खास इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि अब कोई स्टेनोग्राफर का है, कुछ नेट मेंडर का है, कुछ सर्विस असिस्टेंट का है। तो ये जो हमारी एमएससी के स्टूडेंट्स जानना चाह रही हैं, मुझे नहीं लगा कि वो अब बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बॉदर नहीं किया बहुत डिटेल्स कलेक्ट करने का। आई होप कि आपको कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे कि आप जो लड़कियां जिन इंटरेस्टेड है कि जॉब खत्म हो रहा, मैंने पहले ही बताया कि जनवरी फरवरी में और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वैकेंसीज आती हैं, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार न्यूज,
रोजगार रिलेटेड साइट्स पे जाइए, और अभी तुरंत जो झारखंड और बिहार के गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आ रही हैं फिशरी रिलेटेड, उनके लिए बहुत अलर्ट रहिए स्टूडेंट्स। सो आई होप कुछ आपको हेल्प मिलेगा, एंड अच्छा लगेगा अगर आप कुछ हाँ ना जो भी हो कमेंट करेंगे। तो जैसे एक कमेंट जो मुझे नेगेटिव भी मिला, तो मुझे उससे लगा कि लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाले रिक्रूटमेंट वीडियो से, तो मैं ऐसे वीडियोस खुद भी बहुत कम डालना चाहूँ। तो थैंक यू, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। आगे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे देखेंगे, क्वाड्रेट सीरीज में शुरू कर चुकी हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिक्वेस्ट बहुत सारे आए हुए हैं और कुछ जेनेटिक्स के भी रिक्वेस्ट हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू।